हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी 50 मार्केट क्रैश, डो जोन्स में क्या हो रहा है, उससे सभी चीज़ से रिलेटेड सपोर्ट रेजिस्टेंस से रिलेटेड बातें करूंगा और कुछ डेटा आपको सामने पेश करूंगा जिसकी वजह से आपको सबसे पहले तो घबराना या जो घबराहट हो रही है कि मार्केट में गिरता जा रहा है वो आपके मन से, आपके दिल से, आपके दिमाग से, दोनों तीनों चीजों से यहाँ से निकलती हुई नजर आएगी। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा इन्वेस्ट फॉरएवर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन, ताकि इस तरह की वीडियो डेली बेसिस पे मिलती रहे। और आपको हमसे कॉन्टेक्ट करना है तो इन नंबर पर आप हमें कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। निफ्टी 50 में मैं अगर अपने पोर्टफोलियो की बात करूं, मोस्टली पोर्टफोलियो में इसी तरीके से होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो निफ्टी 50 के स्टॉक्स की जगह हमारे पास शायद दूसरे स्टॉक ज्यादा है, या फिर बात करें मिड कैप स्मॉल कैप ज्यादा है। तो वहां पर अगर हम देखें तो हम स्मॉल कैप मिड कैप का चार्ट भी देखेंगे। बट देखते हैं यहाँ पर, तो जो हिट हमें यहाँ पर लगा था या यहाँ पर लगा था या यहाँ पर लगा था, ओके यहाँ पर नहीं लगा। बट आज की दिन में जब मार्केट पॉजिटिव डायरेक्टरी में भी चल रही थी, स्टिल हमारा पोर्टफोलियो नेगेटिव में था। और जब क्लोज हुई तो उसके बाद और भी ज्यादा गिरावट होती हुई नजर आई। तो वो गिरावट क्यों नजर आई उससे रिलेटेड तो बातें करेंगे। बट अब बात कर लेते हैं कुछ फैक्ट्स की। तो देखिए मार्केट में लगातार गिरावट होती हुई नजर आ रही है। जो लॉस यहाँ पर था, ओके वही लॉस हमें या उससे भी ज्यादा बड़ा लॉस यहाँ इस लेवल पर दिखाई दे रहा है, जबकि मार्केट यहाँ पर ऊपर दिखाई दे रही है। तो ऐसा क्यों है, किस वजह से है, वो तो हम बात करेंगे ही करेंगे। बट हम अगर देखें तो एक अच्छी खासी गिरावट मार्केट में लगातार होती हुई नजर आ रही है। और हम देखें तो हमें कहीं ना कहीं घबराहट हो रही है। किस वजह से? अलग अलग वजह से है। यहाँ पर अगर बात करें फेड की जो मीटिंग्स हुई थी, ओके उसमें यहाँ पर 50 बेसिस पॉइंट यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया था। इसके अलावा हम बात करें आरबीआई की मीटिंग हुई थी, ओके वहाँ पर हमारा 50 बेसिस पॉइंट और 40 बेसिस पॉइंट यहाँ पर रिवर्स रेपो और रेपो रेट यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए थे। इसके अलावा हम बात करें इन्फ्लेशन, ओके वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ओके तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें। इसके अलावा हम बात करते हैं यूक्रेन, यूके एंड रशिया, ओके उसका जो ये वॉर चल रहा है उससे रिलेटेड यहाँ पर अलग अलग परेशानियां होती हुई नजर आ रही है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्रूड ऑयल, ओके तो यहाँ पर क्रूड ऑयल का रेट यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वो एक अलग बात है कि हम यहाँ पर रशिया से खरीद रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं $70 में मिल रहा है और सब कुछ मिला के थोड़ा सा और महंगा पड़ेगा। तो ये वो एक अलग चीज है। बट हम देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गिरावट हो रही है और हमें जो हमारा प्रॉफिट था वो यहाँ पर कहीं ना कहीं लैप्स होता हुआ नजर आ रहा है, या फिर जिसका ज्यादा प्रॉफिट था वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो अलग अलग यहाँ पर पोर्टफोलियो के साथ, एज पर हमारे पोर्टफोलियो के हिसाब से सब कुछ होता हुआ नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल देखें तो यहाँ पर डर का माहौल एकदम छाया हुआ है। तो क्या हमें डरना चाहिए उससे रिलेटेड बातें करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो मुझे यहाँ पर दिखा रहे हैं कि शायद मार्केट में गिरावट और हो सकती है, और उससे रिलेटेड ही मैं यहाँ पर बात करूंगा। तो हम यहाँ पर देखें, बट पॉजिटिव पॉइंट्स की पहले बात कर लेते हैं। नेगेटिव पॉइंट्स की तो बातें दुनिया कर रही है, हम पॉजिटिव पॉइंट्स की बातें कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे निफ्टी 50, तो निफ्टी 50 आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख लीजिए किस तरीके का है। अच्छा चार्ट पैटर्न है। गिरावट की बात करें तो यहाँ पर भी गिरावट हुई है, यहाँ गिरावट हुई है, इस एरिया में गिरावट हुई है, यहाँ गिरावट हुई है, यहाँ गिरावट हुई है। बट पिछले 13 से 14 साल की अगर मैं बात करूँ तो जो छह यहाँ पर मैं नीचे का लेवल नहीं ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ बिल्कुल टॉप का लेवल, कि 6000 पे जो यहाँ पर निफ्टी 2007 में चलता था वो आज की डेट में 17000 के आसपास चल रहा है, 16000 के आसपास चल रहा है। तो कहीं ना कहीं 10000 11000 पॉइंट यहाँ पर पिछले 14 15 साल में यहाँ पर बढ़े हैं। तो अगर कोई ETF भी खरीद लेता है ना इस मार्केट में और थोड़ा लंबे टाइम भी खेलता है तो 10 से 12% का रिटर्न कहीं नहीं गया। सबसे पहली बात वो ऐसी चीजें बता रहा हूँ कि यहाँ पर नो रिस्क, बिल्कुल ना कोई रिस्क नहीं है और आपको रिटर्न रिटर्न मिल जाएंगे लॉन्ग टर्म में। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और इसके साथ साथ देखिए तो यहाँ पर देखिए डो जोन्स भी यहाँ पर इसी तरीके का रिएक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। और डो जोन्स में भी देखिए, डो जोन्स जैसा चलता है सेम यहाँ पर निफ्टी चलता है। यहाँ पर गिरावट हुई, यहाँ गिरावट हुई, यहाँ गिरावट हुई, तो से डो जोन्स की बात करें यहाँ पर गिरावट हुई, ये यहाँ पर बीच में गिरावट हुई, ये गिरावट हुई। तो यहाँ पर अभी हम देखें तो यहाँ पर भी गिरावट होती हुई नजर आ रही है। क्या हमें डरने की जरूरत है? नहीं डरने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको कुछ पॉइंट्स दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखेंगे निफ्टी 50, ओके जो अपना प्रीवियस लो था उसे भी यहाँ पर टच नहीं किया है। बट अगर हम मैं डो जोन्स यहाँ पर दिखाऊं तो डो जोन्स ने यहाँ पर उस जो इसका सपोर्ट लेवल था, ओके उस सपोर्ट लेवल को यहाँ पर क्रॉस करके नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये गिरावट
मुझे थोड़ी सी और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो इस वजह से मैं यहाँ पर कह रहा था कि यहाँ पर थोड़ा सा चिंता का विषय यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। ओके, और यहाँ पर जो हमारा इंडिया विक्स है जो कि बताता है बीमारी को कि कितनी बीमारी यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है, वो भी यहाँ पर दिखा रहा है कि हाँ यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एक मैं आपके सामने पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा, तो वहां पर आप देखिएगा। तो देखिए एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट सबकी चीज से रिलेटेड बातें करेंगे और आपको सब कुछ यहाँ पर दिल में बिल्कुल तसल्ली हो जाएगी, किसी तरीके की आपको डर नहीं होगा, चाहे आप ट्रेडर हो चाहे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। क्यों? क्योंकि काफी लोग कह देते हैं अगर लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है तो ऐसा होता है, शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट है तो ऐसा होता है, ऐसा कुछ ही नहीं है। ओके, आपने डिलीवरी में चीजें ली है, इस चीज को याद रखिए। जब आपने डिलीवरी में चीज ली है तो आपका एक माइंड सेट था कि अगर कल की डेट में मैं मान के चलता हूँ कि हमने आरती इंडस्ट्री यहाँ पर बाई किया, हमने आरती इंडस्ट्री 1000 के लेवल पे बाई किया और आज अभी 769 चल रहा है और सपोर्ट वगैरह सब कुछ तोड़ के नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से दीपक नाइट्रेट भी हमने ऊपर के लेवल पे बाई किया 2400 2500 के लेवल पे और आज 1900 के लेवल पे चल रहा है। तो देखिए कहीं ना कहीं हमने ये सोच रखा था माइंड में कि हमने अगर अगर चीजें ऊपर जाती है तो अच्छा है, बट अगर चीजें रिवर्स हो जाती है या तो हम यहाँ पर एवरेज करेंगे या फिर हम क्या करेंगे, हम सीधे यहाँ पर वेट करेंगे और ऊपर जाने का जब ऊपर जाएगा तब हम उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर काम करेंगे। बट हमने क्या ले रखा है, हमने एक चीज ले रखी है, हमने एक अच्छी चीज ले रखी है। क्या हमने आरती इंडस्ट्री ली है? आरती इंडस्ट्री का चार्ट पैटर्न दिखाऊं तो यहाँ पर एक बेहतरीन हमने स्टॉक को यहाँ पर खरीदा है। ओके, जिसका चार्ट पैटर्न बेहतरीन है, कुछ टाइम से गिर रहा है, वो यहाँ पर बीच बीच में गिरता रहता है, देखिए यहाँ भी गिरा है यहाँ भी गिरा है बट ऊपर हमेशा जाती है, ये हमारे माइंड में क्लियर है और इस अच्छे रिटर्न दिया है, उसके बाद गिर रहा है वो चीज हमें समझ में आती है। तो अपने जितने भी स्टॉक है ओके, उन्हें यहाँ पर एक बार चेक करिएगा इसी तरीके से कि आपके पास एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है या नहीं। दूसरी चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर बाई चांस आपके पास कोई बेकार चीज है, आपके पास कोई बेकार स्टॉक है, तो आपको क्या करना है, अगर आप देखिए वहां पर भी आपको 40% 50% 30% 20% का लॉस हो रहा होगा, और मैं अगर बताऊं अच्छे अच्छे स्टॉक जैसे कि आरती इंडस्ट्री, ओके, मैं अगर बात बताऊं दीपक नाइट्रेट, मैं बात करूं इंफोसिस, मैं बात करूं विप्रो, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर आईटी के माइंडट्री, एलटीआई, एलटीटीएस और यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक्स हैं। ओके, बहुत सारे स्टॉक्स यहाँ पर नीचे आते हुए दिखाई दिए, वो भी 20%, कोई 30%, कोई 40% यहाँ पर टूटता हुआ नजर आ रहा है। जब ये स्टॉक्स यहाँ पर इतने टूटते हुए नजर आ रहे हैं अपने टॉप से, तो कहीं ना कहीं आपको आप एक बेकार स्टॉक बेच के एक अच्छे स्टॉक में यहाँ पर शिफ्ट हो सकते हैं। ओके, आपको लग रहा होगा कि मैं अपना लॉस बुक कर रहा हूँ, आप कहीं लॉस बुक नहीं कर रहे। जब चीजें भागेंगी तो याद रखिए ये चीजें पे यहाँ पर थोड़ा सा भरोसा भी ज्यादा है, एज वेल एज सॉरी एज वेल एज आपको ये भी पता है कि हाँ अगर वो चीज स्मॉल कैप, अगर मिड कैप और बेकार स्टॉक में अगर हम अटके हैं तो कहीं ना कहीं हम वहां पर ट्रैप हो सकते हैं, बट अच्छे स्टॉक्स में ये चीजें ऊपर जानी ही जानी है, ये हमारे दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, हमारे माइंड में एकदम अच्छे से आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस चीज को अपने माइंड में रख के इस तरीके से बिहेव करिएगा। तो यहाँ पर जब एक ट्वीट था विजय केडिया सर का, विजय केडिया सर को सब जानते ही है, तो उन्होंने जब उन्होंने यहाँ पर बात करी, एक ट्वीट किया था मैं कुछ टाइम पहले, तो मैं उनसे रिलेटेड ही बातें करूंगा। तो उन्होंने सिंपली एक ट्वीट किया था, क्या ट्वीट किया था कि जब भी आप पैसा लगा रहे हैं आप यहाँ पर जो ये इन्फो, आप अगर मैं बात करूँ निफ्टी की, ओके, आप यहाँ पर निफ्टी पे पैसा नहीं लगा रहे, आप यहाँ पर निफ्टी स्मॉल कैप पे पैसा नहीं लगा रहे, आप मिड कैप पे पैसा नहीं लगा रहे और किसी भी इंडेक्स में पैसा नहीं लगा रहे, ओके, वो बात अलग है, अगर आपने ईटीएफ खरीदा हो वो यहाँ छोड़ दीजिएगा, बट आपने शेयर खरीदे हैं तो आपने इन चीजों पे पैसा नहीं लगाया, आपने पैसा लगाया है यहाँ पर आरती इंडस्ट्री पे, आपने पैसा लगाया उस पर्टिकुलर स्टॉक्स में, तो उस आपको अगर विश्वास है कि कंपनी अच्छी है तो बेशक से कितने भी गिर रही हो उसे ऊपर जाना है, ये तय है। और जब ये तय है, आपने उसके बिजनेस मॉडल पे पैसा लगाया, आपने उसकी चार्ट को देख के पैसा लगाया है कि हाँ एक हिस्ट्री है उसके पास, आपने देखा है कि एक रुपए वाला स्टॉक आज की डेट में 768 पे है और इसने बोनस भी दिया है, डिविडेंड भी दिया है और यहाँ पर स्प्लिट भी हुआ है, जब ये सारी चीजें आपके दिमाग में क्लियर है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब यहाँ पर ये रिसेशन, ये महंगाई, ये सारी चीजें यहाँ खत्म होती हुई नजर आएगी उतनी स्पीड से भागेंगे और जो रिटर्न आपको यहाँ मिले थे ना वही रिटर्न मिलते हुए नजर आएंगे। तो अपने दिमाग में क्लियर रखिए आपको क्या करना है। आपको अगर आपका होता है बहुत सारी सब गलतियां करते हैं और गलती भी नहीं, ठीक है, ये ह्यूमन नेचर है। अगर आपने ट्रेडिंग में भी स्टॉक को लिया है ना तो यहाँ पर एवरेज करना बनता है, ओके, अगर आपको पैसे है तो एवरेज करिए, नहीं है तो सिंपली बैठे रहिए, जब यहाँ पर चीजें मुड़ेगी रिवर्स होंगी तो अच्छा खासा पैसा बनता हुआ नजर आएगा। अब कब रिवर्स होगी उससे रिलेटेड बातें कर लेते हैं।
तो देखिए मैं आपको कुछ डेटा दिखाना चाहता हूँ। डो जोन्स तो मैंने दिखाया था कि कितना गिर गया, वो अपने सपोर्ट को भी तोड़ दिया, बट यहाँ पर निफ्टी ने सपोर्ट नहीं तोड़ा। क्यों नहीं तोड़ा? क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक जो अपनी इंडियन मार्केट है उसमें लगातार पैसा आ रहा है। अगर ये 20,000 करोड़, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 2008 की, 2008 में ये सिचुएशन होती तो यहाँ पर शायद मार्केट और ज्यादा क्रैश हो चुका था, बट नहीं क्रैश हुआ। क्यों क्रैश नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा जो इन्वेस्टर है, रिटेल इन्वेस्टर है, नए नए इन्वेस्टर है, वो आए हैं और मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और लगातार लगे हुए हैं। वो म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हैं, म्यूचुअल फंड वाले मार्केट में पैसा डाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है चीजें ऊपर जानी है। तो यहाँ पर हम बात करें, अगर इन्होंने 20,000 करोड़ बेचा है तो यहाँ पर 14,500 करोड़ यहाँ पर खरीदा है, 40,000 बेचा है, 29,000 करोड़ खरीदा है, 43,000 बेचा है, 40,000 करोड़ खरीदा है, 45 बेचा है, 42,000 करोड़ बेचा है, खरीदा है। तो लगातार एडजेसेंटली यहाँ पर हमारे मार्केट में खरीदारी हो रही है। तो यहाँ पर कुछ टाइम और ऐसा होगा कि अगर ये FII जब बेचेंगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, थोड़ा बहुत यहाँ पर चीटी वर्क का फर्क पड़ेगा और अपने जो इन्वेस्टर है वो यहाँ पर मार्केट को पूरे जोश के साथ यहाँ पर खड़े रहेंगे। तो ये भी आगने वाले 10 साल में बिल्कुल होता हुआ मुझे नजर आ रहा है कि 10 साल में ये चीजें बिल्कुल हमारे जो इन्वेस्टर है बिल्कुल खड़े रहेंगे। मार्केट अभी यहाँ पर आ गया है, ओके, डोजोंस नीचे आ गया है, ओके, मार्केट हमारा यहाँ पर चल रहा है, और आने वाले 10 साल में अगर ऐसी गिरावट हुई तो बस यहाँ पर आके अटक जाएगा, और जब वो दोबारा आएंगे फिर भागेगा। तो देखिए लगभग कितने पैसे यहाँ पर निकल चुके हैं। अगर मैं यहाँ पर ओवरऑल बात करूँ तो अच्छे खासे पैसे, दो दो ढाई 3 लाख करोड़ के आसपास यहाँ पर मार्केट में पैसा निकलता हुआ नजर आया, अबाउट मैं बोल रहा हूँ। जब वो आएंगे, 1 साल बाद आए, 6 महीने बाद आए, 15 दिन बाद आए, कभी भी आएंगे, जब आएंगे तो याद रखिए किस स्पीड से यहाँ पर मार्केट भागेगी। तो उस चीज का थोड़ा सा अंदाजा लगाइए, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। तो याद रखिए ये रैली कुछ भी नहीं थी, वो रैली यहाँ पर और बेहतरीन होती हुई नजर आएगी। तो ये अपने दिमाग में रखिए, उसके हिसाब से यहाँ पर पैसा लगाइए। लॉस हो रहा है, कोई परेशानी नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है। यहाँ पर विजय केडिया से जब मार्केट क्रैश हुई थी तब उनका पोर्टफोलियो आधा आ गया था। रामदेव अग्रवाल सर की अगर मैं बात करूँ तो आपको पता ही है, रामदेव अग्रवाल सर खुद अपने इंटरव्यू में बताते हैं उनके 2,000 करोड़ का पोर्टफोलियो 1,000 करोड़ रुपए आ गया था। तो आपके पास तो आपका पोर्टफोलियो 5 लाख का है तो 2.5 लाख का हो गया होगा, तो यहाँ पर 1,000 करोड़ का चला जाना तो एक घबराहट पैदा कर देता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप बात कर लेते, थोड़ा फटाफट हम बात करते हैं निफ्टी 50 से रिलेटेड। तो देखिए मैं पहले दिखाना चाहता हूँ डोजोन्स। डोजोन्स में यहाँ पर मुझे थोड़ी सी गिरावट नजर आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इसका सपोर्ट लेवल था वो यहाँ पर तोड़ चुका है, तोड़ के यहाँ पर नीचे आ गया है। ओके, अगर यहाँ से रिवर्स हो जाता है ठीक, वरना मोस्टली यहाँ पर रिवर्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट यहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ पर सपोर्ट बन रहा है तो इसे टच करके, माइट बी इसे टच करके चीजें ऊपर बढ़ती हुई नजर आ सकती है। पर अगर थोड़ी बहुत और गिरावट आती है, लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, इस तरीके से होता है ना, तो अगर होता है तो यहाँ पर 30,000 तक भी ये आ सकता है। और अगर ये यहाँ पर गिरेगा तो ऑब्वियसली बात है, तो यहाँ पर यहाँ पर जो निफ्टी है, ओके, निफ्टी भी यहाँ पर थोड़ी सी गिरती हुई नजर आएगी और शायद अपने सपोर्ट तक आती हुई दिखाई दे सकती है। तो आप यहाँ पर तक के लिए तैयार रहिए निफ्टी 50 में, कि यहाँ पर 15,000 तक, 15,500 तक का लेवल यहाँ पर ये टच कर सकता है। इसके लिए आपको फिर माइंड में पहले से ही बैठाना है कि इतनी गिरावट और हो सकती है, तो यहाँ पर प्रिपेयर रहिए। और बेचने की जरूरत नहीं है, जब चीजें ऊपर जाएगी तो याद रखिए आपका पोर्टफोलियो भी ऊपर जाएगा अगर आपके पास अच्छे शेयर है। तो निफ्टी 50 की तरफ आपने क्या करना है, ध्यान देना है। अब बात करता हूँ एक और चीज, इंडिया विक्स। इंडिया विक्स यहाँ पर जो अगर यहाँ पर देखे तो देखिए ऊपर भागता भागता हुआ दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन है, सॉरी रेजिस्टेंस की लाइन है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस को शायद उस टाइम जैसे निफ्टी 50 सपोर्ट को टच करेगा, ये अपने रेजिस्टेंस को टच करेगा, और जैसे ही टच करेंगे दोनों के दोनों तो शायद ये यहाँ पर रिवर्स हो जाए, यहाँ पर नीचे की तरफ आने लग जाए और निफ्टी 50 ऊपर की तरफ बढ़ने लग जाए और डोजोन्स ऊपर की तरफ बढ़ने लग जाए, मार्केट एकदम रिवर्स हो जाए और ऊपर की तरफ भागना शुरू कर दे, और दोबारा हम अपने उसी लेवल को देखते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो आपको इसके लिए यहाँ पर क्लियर रहना है, और मार्केट में रैली तभी होगी जब ये 18,600 का क्रॉस करेगा, तब मार्केट में एक अच्छी रैली होती हुई दिखाई देगी। एक एक करके करेगा और करेगा, टाइम लग सकता है बट करेगा, याद रखिए इस चीज को ध्यान में रखिए। बिल्कुल भी मत घबराइए, कोई नहीं घबरा रहा, बस वो ही घबरा रहे हैं जो नए हैं, वो घबरा रहे हैं जो अभी एंटर किया है, वो घबरा रहे हैं जिन्होंने यहाँ एंट्री करी है, यहाँ एंट्री करी है या यहाँ एंट्री करी है, और जो यहाँ एंट्री करेगा वो अच्छा पैसा कमाएगा। अब बात कर लेते हैं निफ्टी मिड कैप की।
ओके, निफ्टी मिड कैप 100 की बात करें तो ऑब्वियसली बात है, जब निफ्टी मिड कैप ने अच्छे रिटर्न दिया तो गिरेगा भी ज्यादा। ओके, यहाँ पर मुझे यहाँ पर सपोर्ट सीधा नजर आता है, जब निफ्टी 50 अपने सपोर्ट को टच करेगा तो ये भी कहीं ना कहीं यहाँ पर टच करता हुआ नजर आएगा, और 26,722 का लेवल यहाँ पर साफ दिखाई देता है। बट अगर इससे ज्यादा गिरावट होती हुई दिखाई देती है तो ये शायद शायद 26,000 को लेवल को भी टच कर सकता है। तो इतने लेवल के लिए मोस्टली अपने माइंड को प्रिपेयर करके आपको रखना है। इसके अलावा निफ्टी स्मॉल कैप की बात करें तो निफ्टी स्मॉल कैप यहाँ पर आ जाते हैं, निफ्टी स्मॉल कैप थोड़ा ज्यादा गिरता है, ऑब्वियसली बात है रिटर्न भी ज्यादा दिया है तो गिरेगा भी ज्यादा ही। तो यहाँ पर इसने सपोर्ट लेवल ऑलरेडी तोड़ दिया है, ओके, जैसे डो जोन्स ने तोड़ दिया वैसे इसने तोड़ दिया। और यहाँ पर जो गिरावट मुझे दिखाई देती है, अगर सीवर गिरावट निफ्टी 50 और डो जोन्स में होती है तो याद रखिए मिड कैप में होती है, तो इसमें और होगी, और ये शायद इस लेवल पे आता हुआ दिखाई दे सकता है 87,45, लगभग लगभग 400-500 पॉइंट की और गिरावट यहाँ पर होती हुई दिखाई दे सकती है। अच्छे सपोर्ट पे चल रहा है बट यहाँ से रिवर्स हो गया। ओके, वेल एंड गुड, डो जोन्स को आज देख लीजिएगा शाम को। ओके, डो जोन्स जब ओपन होगा, अगर अच्छी डायरेक्टरी में ओपन हुआ तो ऑब्वियसली अच्छी बात है, तब यहाँ पर मार्केट में रिवर्स हो सकता है। बट क्यों? क्योंकि अपने सपोर्ट पे चल रही है सारी की सारी चीजें। बट अगर गिरावट होती है तो उस जो मैंने आपको सपोर्ट बताया है उस सपोर्ट को थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आके चीजें रिवर्स होती हुई दिखाई दे सकती है। तो ये सारे की सारी चीजें को थोड़ा सा माइंड में रखिए, उसके हिसाब से बातें करिए, उसके हिसाब से देखिए। क्यों? क्योंकि मार्केट जब भागती है तो इन्हीं सपोर्ट को तोड़ के भागती है, इन्हीं रेजिस्टेंस को तोड़ के भागती है, और मार्केट जब गिरती है तो सपोर्ट को तोड़ के गिरती है। इसी हिसाब से मार्केट हमेशा काम करती रही है, आगे भी इसी हिसाब से काम करेगी, और हमेशा अगर जो डरने वाले होंगे वो फंस जाएंगे, और जो नहीं डरेंगे वो अच्छा पैसा बना के जाएंगे। जैसे कि हमारे कोविड के टाइम पे हुआ था, जिसमें म्यूचुअल फंड ने 25% के रिटर्न दिए, बट जिन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया उन्हें नेगेटिव रिटर्न मिले। क्यों मिले? क्योंकि जब यहाँ पर कोविड में गिर रही थी मार्केट, उन्होंने तब निकाल लिए, बट कोविड में जैसी रिकवर हुई तो उन्हें तो नेगेटिव रिटर्न मिला था, बट जो जिन्होंने बाद में निकाले 25-25, 30-30% के रिटर्न मिलते हुए नजर आए थे। तो इस चीज को माइंड में रखिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। सबके पोर्टफोलियो नेगेटिव है, चाहे राकेश झुंझुनवाला सर हो, चाहे विजय केडिया हो, सबके यहाँ पर नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि ऊपर से देखा जाए तो सबके नेगेटिव है, बट नीचे से देखा जाएगा तो वो प्रॉफिट में ही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने 35,000 से 1,000 करोड़ की जर्नी तय करी है, किसी ने 5,000 से 25,000-30,000 करोड़ की जर्नी तय करी है, किसी ने कुछ जर्नी तय करी है। क्यों? क्योंकि वो पुराने खिलाड़ी है, इसलिए उनको पोर्टफोलियो में नेगेटिव नहीं दिखाई दे रहा होगा। आप नए खिलाड़ी है, आपने यहाँ लिया है, तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव दिखाई दे रहा होगा, और आने वाले 10 साल में आप भी यहाँ पर नेगेटिव नहीं हो रहेंगे। सो वीडियो अच्छी लगे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।